सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल MDV टेक पर। दोस्तों इस वीडियो में यार मैं आपको बताने वाला हूँ कॉल सेटिंग के बारे में, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होने वाला है। इसमें मैं कॉल सेटिंग का पूरा डिफाइन कर दूंगा ताकि आपको कॉल सेट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके पूरा डिफाइन मैं आपको बता दूंगा, हर एक चीज़ हर एक फंक्शन के बारे में बता दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग के अंदर में आ जाना है। एंड दैट सेटिंग के अंदर में आने के बाद आपको नीचे स्लाइड करना है। यहाँ पर स्लाइड करके आपके पास एक ऐप का ऑप्शन आएगा लास्ट में, तो ऐप पर आपको टैप कर देना है। उसके बाद सबसे ऊपर में सिस्टम ऐप सेटिंग होगा, इस पर आपको एक बार टैप कर देना है। ये सेटिंग मैं आपको नोट 8 प्रो में बता रहा हूँ, बाकी सारे शाओमी डिवाइस में भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉल सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर आप टैप कर दीजिए। अब यहाँ पर से मैं आपको हर एक जितने भी फंक्शंस हैं कॉल सेटिंग के, वो सारे आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स। बेसिकली इस पर आप टैप करते हैं तो यहाँ पर आपके दोनों सिम, अगर दो सिम लगा हुआ है तो दोनों सिम आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मोबाइल डाटा का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर आप दोनों में 4G यूज़ करना चाहते हैं तो इसे इनेबल कर दीजिए, या फिर एक 4G करना चाहते हैं और एक जो है आप 3G यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे दोनों को 4G कर देता हूँ। यहाँ पर यूज़ मोबाइल डाटा ड्यूरिंग वोल्टी कॉल्स, अगर आपके पास वोल्टी कॉल्स आता है तो आप इसे इनेबल करना चाहते हैं या नहीं वो कर सकते हैं। डाटा प्लान आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, डाटा रोमिंग में अगर आप जाता है तो इसे आप ऑफ़ या ऑन कर सकते हैं। ऑलवेज़ रिसीव MMS का ऑप्शन है तो ये भी आप कर सकते हैं। इन यहाँ पर डायल आप कौन से सिम से करना चाहते हैं उसे आप बेसिकली सेट भी कर सकते हैं, या फिर आप जितनी बार कॉल करें उतने बार आपसे पूछे कि आप कौन से सिम से कॉल करना चाहते हैं, तो नोट सेट इसको रहने दीजिए। इंटरनेट मैं हमेशा SIM 1 से यूज़ करता हूं, तो इसलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि जब भी मैं नेट ऑन करूँ ऑटोमेटिकली SIM 1 से ही डाटा कटे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ऑप्शन है कॉल रिकॉर्डिंग का। बेसिकली कॉल रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, जैसे कि आपको ऑल नंबर्स के कॉल रिकॉर्ड करने हैं या फिर किसी एक स्पेसिफिक नंबर का कॉल रिकॉर्ड करना है, तो उसे आप अगर डाल देते हैं, जैसे कि कॉल रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली पर मैंने टैप किया, तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सारे नंबर्स के कॉल रिकॉर्ड कर लूँ, या फिर यहाँ पर से मैं सेलेक्ट नंबर सेकंड वाला जो ऑप्शन है इस पर मैं टैप कर दूँगा तो जो सिलेक्टेड नंबर होंगे सिर्फ उसी के कॉल रिकॉर्ड्स होंगे, तो इसे आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉल फॉरवर्डिंग का। अब आप कौन सी कॉल को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कभी कभी होता है कि आपके पास दो फ़ोन है, एक फ़ोन आप घर पर रख के चल जाते हो एंड दैट्स एक फ़ोन लेके जा रहे हो, तो आप क्या करो घर पे जो रख के जा रहे हो फ़ोन उसकी कॉल फॉरवर्ड कर लो अपने दूसरे नंबर पर, तो उस तरीके से आप कॉल फॉरवर्डिंग को भी एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है कॉल वेटिंग का। अब कई बार होता है कि भैया SIM 1 में आपको कोई कॉल करता है तो डायरेक्ट ही उसे बिजी बता देता है और कॉल कट जाता है, लेकिन अगर आप जो है कॉल वेटिंग में SIM 1 का ऑन करके रखोगे तो इससे क्या होगा कि कोई भी आपको कॉल करेगा और आप किसी से बात भी कर रहे हो तो आपको वहाँ पर जो है टोन के साथ में सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा कि किसका कॉल आपके पास आ रहा है, तो आप अगले बंदे को होल्ड पे रख के उनसे कॉल पे बात कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर इनकमिंग कॉल सेटिंग का। अब इसमें क्या है बेसिकली, तो इनकमिंग कॉल सेटिंग में फ्लिप टू साइलेंस रिंगर कर सकते हो, या फिर क्वाइट रिंगर लिफ्टेड कर सकते हो, या इंक्रीज वॉल्यूम, या फिर कहीं को आपने देखा होगा कि यार रिंग बजता है तो पीछे का फ्लैश जलता है तो थोड़ा अच्छा लुक देता है, तो यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हो तो फ्लैश वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से यार आप जो है इनकमिंग कॉल्स की सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद है आइडेंटिफाई अननोन नंबर्स। अननोन नंबर से आए तो उसे आइडेंटिफाई कर सके। ब्लॉक लिस्ट मेरा ऑन है देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप ब्लॉक लिस्ट को ऑन कर सकते हैं, मैसेज के लिए भी ब्लॉक लिस्ट कर सकते हैं या फिर कॉल के लिए भी ब्लॉक लिस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप वो कॉल लिस्ट के ब्लैक लिस्ट करने के लिए भी चूज़ कर सकते हैं नंबर को। लोकेशंस वगैरह का यहाँ पर ऑप्शन है ऑटो आंसर, अगर आपका जो है ऑटो आंसर को ऑन करते हो तो जब हेडसेट पर लगा रहेगा तो आपको पिक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलवेज़ अगर आप कर देते हो ना तो जैसे ही किसी का कॉल आएगा वो ऑटोमेटिकली उठ जाएगा, या फिर अगर आप ब्लूटूथ कनेक्टेड हो तो ब्लूटूथ हेडसेट के लिए सिर्फ कर सकते हो या फिर ब्लूटूथ के लिए कर सकते हो। तो इस तरीके से कभी कभार होता है यार राइड कर रहा हूँ कान में सॉन्ग बज रहा है हेडफोन्स या ब्लूटूथ में, तो उसके बाद क्या होता है कि कॉल आता तो फिर यार रोको मोबाइल निकालो उसके बाद, और ऐसे क्या डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा अगले बंदे की आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी, तो ये काफ़ी ही अच्छा ऑप्शन है, तो इसे आप यार इनेबल कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे डिसेबल रखने वाला हूँ। एडवांस सेटिंग के अंदर में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपको डायल पैच के टोन्स मिल जाती हैं, क्विक डायल का ऑप्शन मिल जाता है कि यार जैसे कीपैड वाले में होता था ना भैया एक नंबर को दावे रहो बस उसको लग जाएगा कॉल, इसे लग जाएगा, वो इस टाइप का है। रीडायल ऑटोमेटिकली है, अगर कोई लाइन बिजी है तो आपको यार बार बार रीडायल करना पड़ता है, तो इसे आप अगर इनेबल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली रीडायल हो जाएगा। उसके बाद है मिस कॉल रिमाइंडर्स है, यहाँ पर मिस कॉल के रिमाइंडर्स आपको कितने मिनट के बाद आने चाहिए या किस तरीके से आना चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। वाइब्रेट्स व्हेन योर कॉल इज़ आंसर्ड, यार
ये सबसे अच्छा फीचर्स होता है कि आप जो है कॉल किसी को लगाते हो, कॉल उठती है तो वाइब्रेट हो जाए। अगर आपके मान लीजिए आपके हाथ में फ़ोन है, आपने कॉल लगा दिया है और अगला बंदा कॉल उठ भी गया बट आपको पता नहीं और आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हो तो अगला बंदा भी सुन लेगा। तो इसीलिए यार वाइब्रेशन वाला ऑन कर दो, जैसे ही कोई उठाएगा आपके हाथ में वाइब्रेट होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि भैया कॉल उठ चुकी है। कॉल बैरिंग, कॉलर आईडी, फिक्स डायलिंग नंबर वगैरह का सेटअप है तो आप इसे भी कर सकते हो। तो ये थी भैया पूरी जो है सेटिंग की ऑप्शन नोट 8 प्रो की शाओमी के फ़ोन की। अगर फिर भी इसमें यार आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे यार कमेंट करके मुझसे पूछ सकते जिन हो। लोगों ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।